और दोस्तों देखिए बागेश्वर की रामलीला से आज फिर आपको पुनः प्रसारण दिखाया जा रहा है और दर्शक दीर्घा से आपको दिखाया जा रहा है किस प्रकार से बागेश्वर के पब्लिक पूरे जम के इसका लुत्फ उठाती है और जहां चारों ओर लोग भगवान श्री रामचंद्र जी की गाथा सुनने के लिए अपने घरों से आए हुए हैं
सरकार से हमारे बागेश्वर के सभी दर्शक इस प्रकार से श्री रामलीला का आनंद लेते हुए और जितने बैठे हुए हैं उसे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे श्री रामलीला देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं और ये वाला और ये छोटे छोटे बच्चे नई नई आकृति बनाते हुए हर दिन कुछ ऐसा अनोखा करना चाहते हैं कि सब इन्हें देखें। और इस प्रकार से हमारे रामलीला कमेटी के आदरणीय पुनीत शाह जो कि पूरे समर्पित रहते हैं और जिनका पूरा प्रयास है कि बागेश्वर की रामलीला को बहुत अच्छी बनाए और सभी लोगों को बधाइयाँ आज और हमारे आज बागेश्वर के पीजी कॉलेज के अध्यक्ष के चुनाव में कौशल उपाध्याय विजयी रहे और जिनका सारा श्रेय हमारे भाई साहब के कंधों पर जाता है और जिन्होंने काफ़ी मेहनत के बाद आज विजयी दिलाई है। और इस प्रकार से हमारे बागेश्वर की और रामलीला आप सभी देख सकते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है किस प्रकार से बागेश्वर में और रामलीला का एक विशेष क्रेज है और लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और श्री राम जी का गुणगान तथा उनकी किस प्रकार की उनकी लीला है इसका सारा आनंद उठाते हैं। और इस प्रकार से हमारी माताएं बहनें जो दूर दूर से आकर बागेश्वर की रामलीला का लुत्फ उठाते हैं और आज सरयू आरती का भी हमने आपको एक आयोजन दिखाया था जिसमें बागेश्वर दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा सरयू पूजा तथा सरयू श्रृंगार के नाम से उसे जाना जाता है और जिसमें उन्होंने पूरे बागेश्वर के सरयू नदी के मार्कंडे घाट और चारों ओर दियो कपूर के दिए जलाए और जिसमें काफ़ी शुद्धता रहती है तथा पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो इस प्रकार से बागेश्वर की रामलीला का यह लाइव प्रसारण और आदरणीय हमारे चित्रकार जो कि और कुछ अंदर का आपको ड्रेसिंग रूम का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ जहाँ हमारे दशरथ 85 वर्षीय आदरणीय हमारे शंकर लाल शाह जी जो कि दशरथ का बहुत विशेष अभिनय करते हैं और हमारे पूरन पालनी जी जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हर चीज़ में और राम के भी पात्र पहले रह चुके हैं। और यहाँ हमारे मेकअप आर्टिस्ट ये लोग पूरी तैयारी में हैं, बैठे हुए हैं सुमित रावल और जो जिनका पार्ट है अभी आपका क्या पार्ट सुमित्रा का पात्र है जो तैयारी कर रहे हैं और हमारे प्रिय मित्र सुंदर दा जिन्हें हम सुंदर आर्ट से इनका एक खुद का एक दुकान है और जहां आर्ट संबंधी आपको कोई कार्य करना है तो आप ज़रूर सेवा का अवसर दें, इनके हाथ में बहुत अच्छा हुनर है। और ये हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब प्रदीप कुमार भरड़ा जी जो कैके का पार्ट निभा रहे हैं और लोग कहते हैं अच्छा करते हैं लेकिन मुझे तो पता नहीं। और आगे की रामलीला आपको दिखाते हैं। और हमारे छोटे ला अरे एक और है आप ठीक है और
और हमारे आदरणीय नीरज पांडे जी जो कि यहाँ पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं रामलीला कमेटी के, और नवीन लाल शाह सीनरी में बहुत अच्छे थे, और कंचन लाल शाह ये भी पुराने हमारे बागेश्वर रामलीला कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं, और इनके कार्यकाल में भी रामलीला में बहुत कुछ बदलाव आया। और ये सामने दो पुतले बने हुए हैं, ये रावण और मेघनाथ के पुतले हैं जो कि अभी सुंदर आर्ट द्वारा बनाया जा रहा है, जिनका कार्य होना अभी बाकी है, और बच्चे बड़े उत्सुकता से इन्हें देखते हैं और इनकी मूछें खींचते हैं। तो यह भी एक अंदर का नज़ारा लोगों को दिखाया जा रहा है। और हमारे आदरणीय मनोज जोशी जी जो कि खुद मेघनाथ का बाग जिनका है, और बहुत अच्छा मेघनाथ का पाठ करते हैं, जब भी उनका मेघनाथ का पाठ होगा आप यकीन मानिए उनको देखना। और हाँ, ये बच्चे बोल रहे हैं ये डरावना लग रहा है, तो आप लोग देखिए कि ये डरावना लग रहा है या ये वाला, तो डिसाइड कीजिए आप लोग कौन सा बच्चों को डरावना लग रहा है, और इसे बच्चे इससे डर नहीं रहे हैं और ये वाले पुतले से बच्चे डर रहे हैं। और इस प्रकार से नहीं यार, तो तुम लोग वहाँ बैठो, हाँ मैं जो रामलीला वो करता हूँ वो उधर बैठ जाना, जहाँ खाली जगह है वहाँ बैठ जाओ, जाओ बेटा ये तो दिख गया। और देख सकते हो दर्शक दीर्घा में काफ़ी भीड़ है, और हमारी माताएं बहनें जो बढ़ चढ़ कर रामलीला का आनंद ले रही हैं। जाओ बेटा वहाँ बैठ जाओ, वो उधर पर बैठ जाना, जाओ जाओ शाबाश।
बात नहीं है। और इस प्रकार से लक्ष्मण जब राजा रामचंद्र जी से कहते हैं कि हे भैया, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, और रामचंद्र जी कहते हैं कि आप मुझसे छोटे हैं, कैसे दिखाई दे रहे हैं और जब रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम साजी जो कि इसे देख रहे हैं, आपका धन्यवाद। जीवन बोरा जी, दिलीप जी और जी जी इस प्रकार से जब रामचंद्र जी लक्ष्मण अपने प्रिय छोटे भाई लक्ष्मण कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने साथ तभी ले जा सकता हूं जब आप माता से आज्ञा लेंगे, और लक्ष्मण अपनी माता से आज्ञा लेने जाते हैं, और देखिए उस प्रकार उसमें क्या चौपाइयां हैं इसका आनंद आप देखिए, किस प्रकार से सुमित्रा से लक्ष्मण
और लक्ष्मण माता सुनीता जी। हे माता शिवरात्रि में श्री महाराज से कहे गए, हे माता शिवरात्रि में श्री महाराज से कहे गए, माता के कहने गोबर मांगी, एक से भरतपुर राजन से, एक से भैया भरतपुर राजन से, दूसरे से श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दिया है। अब तो मुझे भी बंधन के आगे दीजिए, हे माता ये भी बंधन लिया, बस मुझे भी बन जाने दीजिए। आपका नाम बताइए, उनका वो गाड़ी उधर ही हो जाएगा।
राम बुरी मत करते सब लोग आपको दादा कर मेरी माता धीरे धीरे। और इस प्रकार सुमित्रा से, माता सुमित्रा से लक्ष्मण जी, इस प्रकार माता सुमित्रा से लक्ष्मण इजाज़त लेकर जो वन की ओर जाते हैं, और वो बोलते हैं, माता बोलती है कि आज से श्री राम और लक्ष्मण, श्री राम आज से आपके पिता और माता आपकी सीता होगी। श्री राम आपके पिता तथा माता सीता होगी, ऐसा कौशल्या बोलते हैं। और कौशल्या माता बोलती है कि आप शीघ्र जाइए, और आज का मुख्य आकर्षण सोन कुमार सिंह माँ के पावन पर्व पर माँ काली के दर्शन, इसी मंच से आप लोगों को अपनी कराए जाएंगे। हमारा दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग कांतिपुर बैठकर लीला का पूर्ण आनंद लें। धन्यवाद। Thank you.
और दोस्तों देखिए अष्टमी के पावन अवसर पर बागेश्वर में कालिका सीन का एक बहुत बेहतरीन सीन बनाई जाती है, जिसमें माँ काली का भव्य रूप दिखाई देता है और उसे आप देखिए और उस सीन का आनंद लीजिए। और जैसा कि अब श्री रामचंद्र लक्ष्मण और माँ सीता वनवासी के रूप में अपने सारे गहने तथा अपने कपड़े उतारती हैं और एक सन्यासी का भेष धारण करते हैं, और जिसका बहुत अच्छा एक छंद भी है, वो छंद है उतारू राज के कपड़े बनाऊं भेष जोगियन का, तो बहुत बेहतरीन यह चौपाई है, इसका भी आनंद लीजिएगा। और शायद अगर समय रहा तो आज श्रवण कुमार सीन का भी एक आयोजन होता है, जिसमें राजा दशरथ को याद आता है जब वो युवा अवस्था में शिकार के लिए जाते हैं और गलती से शब्द भेदी बाण एक ऐसे पितृभक्त को लग जाते हैं, जो मातृ पितृभक्त श्रवण, जिनकी आयु मात्र 13 वर्ष के लगभग थी, और वो अपने माता पिता को तीर्थ घुमाने के लिए ले जाते हैं। और जब जंगल में एक जगह थक जाते हैं, माता पिता बोलते हैं कि बेटा श्रवण, आप वो बोलते हैं बेटा ऐसा आप मेरे लिए जल लेके आए। और जब श्रवण कुमार जल लेने जाते हैं तो उसी समय जो राजा दशरथ होते हैं वो शेर की तलाश में तथा शिकार की तलाश में जाते हैं, और पानी की आवाज़ उन्हें शेर की आवाज़ जैसी सुनाई देती है, तो उसी आवाज़ में वो एक शब्द भेदी बाण छोड़ते हैं और वो बाण सीधे श्रवण कुमार पे लगता है। और पितृभक्त श्रवण जब तीर लगता है तो वहाँ पर एक छंद है कि अरे अरे पापी मुझे तीर क्यों मारा, और बहुत ज़बरदस्त है। और उससे पहले माता पिता का ऋण कभी न उतरे, यह भी एक अच्छा सा चौपाई है, इसको भी सुनिए। और जब हम छोटे छोटे थे तो हमें हमेशा यह गुनगुनाते थे, और जब भी रामलीला आती थी तो उस वक्त इस चीज़ का हम आनंद लेते थे। और निश्चित मान के चलिए आजकल के जो बच्चे हैं, यह भी अगर हम लोग अपने बच्चों को इन चीज़ों की ओर, धार्मिक चीज़ों की ओर प्रेरित करें, तो निश्चित मान के चलिए वह ये बच्चे भी कुछ देर में मूँगफली का अगर दुकान अगर मिलती है तो निश्चित तौर से हम आपको मूँगफली की दुकान की ओर, और जब अभी देखो, और जब माता कैकेयी और राजा दशरथ जो पितृ शोक में व्याकुल हैं, दशरथ वो माता कैकेयी के साथ बैठे हुए हैं, और अब श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जो कि और माता सीता उनसे आज्ञा लेने आती हैं वन के लिए, और हमारे आदरणीय कपकोटी जी बार बार घंटी बजाकर उन्हें बुलाने की कोशिश कर रहे हैं जी। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से माता सीता और
Yeah.
सफल कोई जी
जिस टाइम पर हम रामलीला देखा करते थे, काफ़ी पहले से यहाँ पर वो काली का जो अष्टमी माँ काली का की एक सीन की तैयारी हो रही है जिसे मैं जरूर दिखाना चाहूँगा। जी जी अशोक वाटिका का वो सीन रहता है और निश्चित गड़िया जी आपका धन्यवाद, संजय करकवाल जी का धन्यवाद और भास्कर जोशी जी तथा संजय करकवाल जी और हमारे नरेंद्र हरड़िया जी का और बहन पुष्पा मिश्रा जी का, कमल मेहता जी का, सुमित रावत जी का और गिरी प्रसाद जी का और संजय करकवाल जी, बागेश्वर महिपाल, जय श्री राम, मेरे खुद की आइडिया पवन सिंह जी की और ललित बिष्ट जी का और हमारे छोटे भाई सुंदर पांडा जो कि दुबई से इसे देख रहे हैं और रमेश गढ़िया जी, डॉक्टर रमेश गढ़िया जी का आपका धन्यवाद और हमारे दिनेश संगड़िया जी का और कविता महेश खेतवाल जी का और कविता महेश खेतवाल बहन कविता जी का और नरेश केतवाल जी का और हमारे आदर्श गुरु गुरु प्रशांत कुमार प्रशांत जो कि गोल्डन वैली पब्लिक स्कूल एक आदर्श स्कूल में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है और साहिल देखते हैं और पुष्पा मिश्रा जी जय श्री राम लिख रहे हैं में हर बागेश्वर के रहने वाले बच्चे का बचपन बीता है। सभी बागेश्वर वाले हैं और हम लोगों की एक कोशिश है कि आप सभी को यहाँ के बारे में रूबरू कराएं जैसा हम देख रहे हैं। Oh,
साथ दीर्घा में बैठकर इसका आनंद ले रहे हैं। अभी जो सामने आपको पर्दा ये देखिए किस प्रकार बागेश्वर की रामलीला से आप सभी को लाइव दिखाए जा रहे हैं और आप घर में बैठकर इसका आनंद लीजिए किस प्रकार से बागेश्वर की किस प्रकार से बागेश्वर में रामलीला होती है उस चीज का आप भी आनंद लीजिए। और क्या पता ये भी प्रेरित होकर यहाँ
रामलीला का कोई पार्ट नहीं है, पर श्री रामचंद्र जी के इस महान लीला में जो भी अपना छोटा सा योगदान है, उसी उम्मीद के साथ मैं इन बच्चों को हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी तक चले और आधुनिक चीज़ों का हम उपयोग कर उन्हें जनता तक पहुँचाएँ। ये छोटी सी कोशिश आशा है आप लोगों को पसंद आ रही होगी। और जी और हमारे आदरणीय गोविंद कटारे जी और आपका भी बच्चे थे तो इस पाइपलाइन के आगे से यहाँ पर हम लोग अपने बैठने के लिए पहले से बोरा बिछा दिया करते थे और इतनी भीड़ रहती थी कि लोग हमारे बिछाए हुए बोरे में बैठ जाते और अक्सर उसमें झगड़ा हो जाया करता था। तो यह चीज़ भी हमने देखी है। आज सब कुछ होते हुए भी हम लोग इन चीज़ों माता सीता और लक्ष्मण वनवास की तैयारी करते हुए और इन्हें तैयार करते हुए हमारे आर्ट जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो अंदर उन्हें तैयार कर रहे हैं और जब पर्दा खुलेगा तो वो पूर्ण रूप से काली मैया आ रही है। अभी वाहन आया हुआ है जिसमें रामचंद्र जी वनवास को जाएंगे और एक दिखाने की कोशिश है कि रथ भगत डसीला जी जिन्हें पूरी रामलीला कमेटी उनके कार्यकाल के लिए आज तक मानती है तथा उनकी सलाह हमेशा अपने नियमों में रखती है और जिस प्रकार से उन्होंने अपने अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष कार्यकाल में उन्होंने यहाँ पाकिस्तान के रामलीला को संवारा था वो बहुत सबसे बेहतरीन कार्यकाल माना जाता है और हमेशा श्री राम जी पर समर्पित रहते हैं और उनका एक
परसों उन्होंने यहाँ आकर खुद श्री राम जी की सेवा की और उन्होंने इस मंच से कहा कि जब तक हमें सांस है हम रामलीला देखने जरूर आएंगे। और वो अपने बच्चे को खुद यहाँ हमेशा रामलीला दिखाने के लिए भेजते हैं और एक बच्चे को माता पिता अपना आदर्श बच्चा बनाना चाहते हैं। पहचान है हर बागेश्वर का युवा चाहता है और जैसा कि अभी रहना।
और आदरणीय भगत डसीला जी जो लिख रहे हैं, प्रदीप हरड़ा जी और खुद महिपाल भाई, दोनों आप राम लखन की जोड़ी, ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी। हम तो श्री रामचंद्र जी के नाम के एक अंश के बराबर नहीं। मैंने आपका राम राम पालनी जी से कह दिया है, वो भी आपसे कह रहे हैं राम राम जी। उनका कहना है जय श्री राम, और कोशिश पालनी जी की हमेशा रहती है कि कोई भी रोल मिले उसमें बेहतरीन श्री राम जी की सेवा करें। जी जी, आपने जिस प्रकार दिलों की पहचान कर दी है, लग रहा है कि आपके हृदय तक यह बात पहुँच चुकी है। यहाँ पर श्री राम और लक्ष्मण सीता कहते हैं कि आप अयोध्या में सभी मिलकर रहें, और इस प्रकार से जब वनवास का यह से जो सुमंत श्री रामचंद्र जी को सीता और राम तथा लक्ष्मण जब वनवास की ओर जाते हैं, और रथ का आकार लिए एक हमारे यहाँ एक रथ का आकार लिए हुए इसको नीचे कर रहे हैं।
Just slow, slow, huh? हेलो और इस प्रकार कमेटी बागेश्वर प्रस्तुत करने जा रहे हैं महाअष्टमी के पावन पर्व पर कालिका सीन कालिका दर्शक हमारा निवेदन कि शांतिपूर्वक बैठकर लीला का आनंद लें। आज का कार्यक्रम काफी लंबा है, हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग शांतिपूर्वक बैठकर लीला का आनंद लें और अपना अमूल्य समय कमेटी को देने का कष्ट करें। रामलीला कमेटी बागेश्वर प्रस्तुत करने जा रही है माँ काली का सीन, महाअष्टमी के पावन पर्व पर रामलीला कमेटी बागेश्वर प्रस्तुत कर रही है काली का सीन। और यह काली का सीन बहुत बेहतरीन काली का सीन है जिसे देखने के लिए वो वहाँ पर खड़े थे, झुक के यहाँ पर है जहाँ पर चेयर है। वहाँ पर बैठे बैठे वहाँ पर बैठ जाए, ठीक है, ऐसे बैठ जाए। और यो बड़ा मजा आएगा रामचंद्र जी के साथ बैठ जाएगा, वहां से देख जाओ। और जैसा कि देखे हैं कालिका सीन के लिए हमारे सभी बच्चे और हमारे फुरकान भाई जो हिंदुस्तान से यहाँ आए हुए हैं। चलिए रामलीला कमेटी बागेश्वर और यो काली का सीन जय मां काली। इस प्रकार से बागेश्वर में माँ काली का यह भव्य रूप जिसे और
और वहाँ बैठे हम और इस प्रकार से छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने ठीक है और बच्चे काफी डरे हुए हैं और इसके पश्चात रामनगर के प्रस्तुत कर रही है राम के वर्तमान आज का इसके पश्चात जो मुख्य आकर्षण है वह है श्रवण कुमार सिंह। इसके पश्चात रामनगर के द्वारा आपके सम्मुख श्रवण कुमार सिंह प्रस्तुत की जाएगी। हमारा सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग शांति प्रोग्राम का लीला का आनंद लें। और इस प्रकार बागेश्वर में जो माँ अष्टमी के दिन माँ काली का एक बहुत खूबसूरत दृश्य बनाया जाता है और जिसे सीनरी का नाम दिया जाता है आप देखना होगा आपने बहुत आनंदित तथा बहुत सुशोभित जिसमें माँ काली का एक दिया जाता है। जैश को पकड़े रहना ये लाइव चल रहा है ठीक है तुम बता दे तुम बताओ मत भेज कैसे आ रुको चलो पटे डाल देते साजी आ देखो अरे साजी तुम तो बुद्धे थे तुम्हें बड़ा पूरा बोल।